अस्सलाम वालेकुम रोहन शाह, आप खुश आमद बात करेंगे मन्नत मुराद के लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा आहिन मुराद बोल ही पड़ता और उसका भाई इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट करता है, जिस तरफ मन्नत भी काफ़ी खुश हो जाती है उसकी भाभी जब उसे बताती है, जिससे वो मन्नत से भी माफ़ी मांगता है लेकिन उसकी माँ का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। सब उसको खुशी रुखसत करते हैं, उसका दोस्त और मन्नत के दोस्त भी दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि ये सब कुछ देख कर। दूसरी तरफ वो तारा के घर वाले वापस चले जाते हैं क्योंकि मन्नत काफ़ी वापस आ जाते हैं और मुराद और तारा की शादी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। वहीं उसका भाई उसे कहता है कि दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, इस वजह से वो सारी मुश्किल से लड़कर एक हो गए। दूसरी तरफ वो जाती है तो कहती है कि बेटा ही होगा, तो मन्नत कहती है कि हो सकता है बेटी ही हो। और वहीं पर आखिरकार मन्नत के मुराद के बहन की शादी मन्नत अपने भाई से करवा देते हैं। दोनों काफ़ी खुश होते हैं और पूरा दोनों खानदान एक दूसरे के साथ काफ़ी खुशी खुशी ये खुशियाँ बांटते हैं। उसकी बहन भी काफ़ी खुश होती है और उसके घर वाले भी, और सारे क्रेडिट को मन्नत को देते हैं और मन्नत और मुराद भी एंड पे खुशी खुशी दिखाई देते हैं। कैसा लगा आपको ड्रामा सीरियल और उसकी एंडिंग कैसी लगी आपको, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।